वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ सॉस टॉपर सीरीज। सबसे पहले सर क्या है ये सॉस टॉपर सीरीज? दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मैथ्स में हम जितना भी प्रैक्टिस कर ले, काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो वन ऑफ अ काइंड है। मतलब कि अगर पहले प्रैक्टिस किया हुआ आपका, तब तो आपसे वो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो जाएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आप उसको बोर्ड एग्जामिनेशन में ही देख रहे हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप उसको सॉल्व ना कर सको। ये सब स्पेशल काइंड ऑफ सम्स है, एंड माय डियर फ्रेंड्स यही सम्स होते हैं जो आपका 100 मार्क्स, 100 में 100 का जो फिगर होता है उसको आने से रोकते हैं। मेरा पर्पस जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये सॉस टॉपर सीरीज, उसका केवल पर्पस ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को जिस हद तक पॉसिबल हो कवर किया जाए हमारी इस सीरीज में, राइट। अलग अलग चैप्टर सर कवर होंगे, राइट, एंड अलग अलग चैप्टर से स्पेशल सम्स कवर होंगे, राइट। ओके, सो दोस्तों जब आपको सीरीज के बारे में पता चल चुका है तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एक और चीज, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा स्पेशल सम समझ में आता है या दिखाई पड़ता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, सो दैट वी विल ट्राई टू कवर इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। सर आज अपने किस चैप्टर से किस सम के बारे में बात करेंगे? दोस्तों हमारा सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? कैलकुलस का। एंड दोस्तों कैलकुलस में कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस के मामले में अपने लोग डिफरेंशिएशन के कुछ स्पेशल सम्स करेंगे, एंड व्हाट वुड दैट बी सर? ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आज ही डिफरेंशिएशन के सारे स्पेशल सम्स हो जाएंगे, आने वाली क्लासेस में भी कवर करते रहेंगे। दोस्तों आज मेरा फोकस रहेगा इनफाइनाइट सीरीज पर। किस पर? डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पर। कुछ लोगों का प्रैक्टिस किया हुआ है तो वेरी गुड, लेकिन अगर किसी का नहीं किया हुआ तो सर एग्जाम में देखने से डर लगता है, तो आइए दोस्तों उस डर को भगाएं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, राइट। जी हाँ सर, क्वेश्चन है ई द पावर एक्स प्लस ई द पावर एक्स प्लस ई द पावर एक्स एंड दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी, है ना। क्वेश्चन बोलता है हमारे को दिस इज वाई, है ना, दिस इज वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। फाइंड वाई डैश, वाई डैश मतलब दोस्तों आप लोग समझ गए हो कि डीवाई बाई डी एक्स, करेक्ट। वाई डैश को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, डीवाई बाई डी एक्स एक्चुअली ये लोग पूछना चाह रहे हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू समथिंग, आप लोग एक चीज नोटिस करो, रियल में वाई क्या है? ई द पावर एक्स प्लस ई द पावर एक्स टिल इंफिनिटी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं क्या कि y इक्वल्स टू e द पावर x प्लस, इसके बाद भी तो दोस्तों ये सारी चीजें भी तो y है। अगर आप लोग लॉजिकली सोचो तो ये सारी चीजें भी तो y है, और क्योंकि इन्फिनिटी तक चलेगा तो मैटर नहीं करता है। जी हाँ बिल्कुल, तो यानी कि मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब y की जगह एक्चुअल में क्या था? e द पावर x प्लस e द पावर x, तो मैंने इसको y से सब्स्टिट्यूट कर लिया, कोई गलती की क्या? नहीं सर, डेफिनेटली नहीं। अच्छा अब दोस्तों याद रखिएगा, मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा सब में, बट मैक्सिमम इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन में आपको फिर लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि लर्न करवाने की कोशिश है, बट ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर अपने लोग लॉग ले बोथ साइड्स, दोस्तों अगर अपने लोग लॉग ले बोथ साइड्स, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोस्तों आपका क्या आएगा? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई द पावर एक्स प्लस वाई। अब सर बचपन में टीचर हम लोग को क्या सिखाई थी? सर बचपन में टीचर हम लोग को सिखाई थी कि जो होता है log x द पावर n, उसको हम लोग n log x भी लिख सकते हैं, yes or no? जिसको नहीं पता था मैं बता दिया, सर बिल्कुल सही कहते हो आप। तो दोस्तों क्या हो गया, log y is equals to x plus y log e। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जब ये log e आता है, बेस e माना जाता है, तो दिस इज वन, log e इज वन, क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं बेस e है, सो दिस गिव्स यू वन, सो यानी कि log e वन हो गया, तो आपका log y क्या हो गया दोस्तों? x प्लस वाई हो गया, राइट। अब आप लोग इसको दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दो, ऑब्वियसली चेन रूल का एप्लीकेशन आप लोग को पता है। अब आप लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोस्तों क्या आएगा आपका? log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई वाई। अच्छा देखिए चेन रूल क्या बोलता है, log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाई दैट थिंग। अब y का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा चेन रूल में, चेन रूल क्या बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो log y हो गया। अब y भी तो डिफरेंशिएट हो सकता है, तो उसको भी तोड़िए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy by dx is equals to d by dx of x, 1 होता है, plus y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देख रहे हो
तो एक तरफ सारे डीवाई बाई डीएक्स को अपने ले सकते हैं, तो क्या होगा इवेंचुअली, डीवाई बाई डीएक्स वन बाई वाई माइनस वन आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो डीवाई बाई डीएक्स है इस तरफ आके माइनस डीवाई बाई डीएक्स हो गया। जी हाँ बिल्कुल सर, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, वन माइनस वाई बाई वाई इक्वल्स टू वन। तो दोस्तों आपका डीवाई बाई डीएक्स क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, सम खत्म दोस्तों, y बाई वन माइनस वाई रेसिप्रोकेट कर दिए। जी हाँ सर, और y की वैल्यू अब आप बैठा लो शौक से। अच्छा सर, ये इतना इजी क्वेश्चन होता है क्या? जी हाँ, बट ये 3 या 4 मार्क्स का आ जाता और अपने लोग रह जाते ऐसे ही। अब तो सर ऐसा नहीं होगा ना, डिवाइडेड बाई, अब लिखिए शौक से, वैल्यूज पुट कर दीजिए अब आपको जो पुट करना है ना, बिल्कुल गॉट इट सर, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। जी हाँ सर, सर ये तो मजा आ गया देखकर, मैं बोला करेक्ट। और बताएं सर आप, अब दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, आइए एक और इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन के बारे में अपने बात करते हैं। बताइए सर, दोस्तों क्वेश्चन है y इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सर हाउ डू वी टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सर सवाल है कि हाउ डू वी टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों जवाब बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आप देखो इस सीरीज के बारे में स्पेशल क्या है। अगर आप लोग को याद है क्लास 11 में आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे सर, पढ़े थे, ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में क्या होता था सर, रेशियो कॉमन होता था। सर कैसे निकालते थे रेशियो, बाद वाला बाई पहले वाला, मतलब 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो वो क्या हुआ 1 बाई एक्स। सिमिलरली आप 1 बाई एक्स को डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स करो, वो भी आपका 1 बाई एक्स ही आएगा। तो मतलब कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो क्या आपने नहीं बोल सकते कि दिस इज अ सम ऑफ जीपी सीरीज? यस सर, ये तो बोल सकते हैं, दिस इज अ सम ऑफ जीपी सीरीज। अब दोस्तों आपको जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बेसिक बेसिक बात है दोस्तों, पता होनी चाहिए। अच्छा तो सम का फॉर्मूला क्या है, अप टू एन टर्म्स, वो होता है ए बाई वन माइनस आर, यही होता है फॉर्मूला। जी हाँ सर, तो सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म विच इज वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, वन माइनस आर मतलब वन माइनस वन बाई एक्स, बिकॉज आर इज द कॉमन रेशियो, राइट। तो वन बाई एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसको रेसिप्रोकेट करें तो एक्स बाई एक्स माइनस वन आया। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि अब हम लोग सम ऑफ द सीरीज, मतलब ये जो पूरी सीरीज थी इनका सम क्या है, एक्स बाई एक्स माइनस वन है, तो मैं क्या लिख नहीं सकता कि वाई इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस वन, सर लिख सकते हो। अब इसी को तो डिफरेंशिएट करना था, क्वेश्चन क्या बोला था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डीवाई बाई डीएक्स निकालो, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों y इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस वन आ गया। अब आप लोग को पता है सर क्या, कि आप लोग क्वेश्चन रूल यूज कर सकते हो, राइट। जी हाँ सर, तो डी बाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, ओ माई गॉड सर दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी। हम बोला हाँ, एक्स माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पता ही आप लोग को v डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ v, पता ही होगा आपको, और बाई v स्क्वायर होता है, करेक्ट, इसीलिए मैंने x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख रखा है। गॉट इट सर, x माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या 1 है सर, रहन दीजिए उसको, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन वो सर 1 ही है, हटाइए, ये क्या हो गया x माइनस वन होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर अपने बात करें डी बाई डी एक्स के बारे में, तो x माइनस वन माइनस x, x x खत्म, तो माइनस वन बाई x माइनस वन होल स्क्वायर आया, क्योंकि ब्रैकेट खुल जाएगा तो x x कट जाएंगे ना सर, दिस इज द आंसर। लेकिन आप लोग में से काफी लोग जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, या जो भी क्वेश्चन आप बता रहे हो अभी सर वो तो बहुत इजी है। दोस्तों वो तो इजी तब है जब अपने लोग को सोल्यूशन पता चल गया, और अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि सर मैं ये खुद कर लेता तो वेरी गुड यार, तब तो कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। ऑल राइट सर, सर आगे बात करें दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों। ओके सर, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली इनफाइनाइट सीरीज का नहीं है, बट इट्स अ गुड वन। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको याद होगा बचपन में टीचर बताई थी, क्या बताई थी कि x द पावर m और बाहर में n हो तो प्रोडक्ट हो जाता है उनका, ये बताई थी नहीं बताई थी टीचर? सर याद है हमें, टीचर तो बताई थी ये बात हमें, मैं बोला वेरी गुड,
तो सर अब आपको करना क्या है, y इक्वल्स टू 10x टू द पावर 10 स्क्वायर x, करेक्ट? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। अब सर टेकिंग लॉग बोथ साइड से अगर आप करो तो आपका लॉग y इक्वल्स टू लॉग 10x टू द पावर 10 स्क्वायर x आ जाएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब सर आपको पता है जो मैंने बताया इसी वीडियो में, log x का पावर n, n log x होता है, तो आप लिख सकते हो log y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x log 10x, isn't it दोस्तों? सर ये बात तो आप ठीक कहते हो, आप बस डिफरेंशिएट करें अगर आप लोग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या होगा, 1 by y dy by dx इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, पहले पकड़ो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, 10 स्क्वायर x को होल्ड किया और log 10x को डिफरेंशिएट करना है, तो log 10x को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, log एनीथिंग इज 1 by 10x और फिर 10x को भी डिफरेंशिएट करोगे तो आपका sec स्क्वायर x आएगा, करेक्ट? जी हाँ सर। प्लस अब log 10x को पकड़ो आप, मैं नीचे लिख दे रहा हूं है ना, प्लस log 10x और जब आप dy dx ऑफ 10 स्क्वायर x करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 10 स्क्वायर x मतलब x द पावर n, तो 2 10x और अब सिर्फ 10x का डिफरेंशिएशन भी करो, समझ गए ना, 10 स्क्वायर x मतलब x द पावर n, तो n into x द पावर n minus 1 लगाया तो 2 into 10x to the power 2 minus 1 यानी कि 1, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, sec स्क्वायर x होता है सर, बिल्कुल। और मैंने क्या कहा था, देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जब ऐसे ऊपर चढ़ जाता तो अपने को लॉग लेना पड़ता है, जैसा कि मैंने लिया अभी, ठीक है सर? जी हाँ बिल्कुल सर, जी हाँ बिल्कुल सर, जी हाँ बिल्कुल सर। आगे बात करें सर आप, अब दोस्तों अगर अपने लोग आगे बात करें, अब दोस्तों अगर अपने लोग आगे बात करें तो सर आप क्या नोटिस करते हो, वाई जो है वो उस तरफ चला जाएगा, राइट सर? बिल्कुल ठीक कहते हो आप। अच्छा इससे पहले आप देख लो, ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये जब आप करें तो ये 10x कट जाएगा, राइट? तो ये 10x ही बचेगा केवल। खैर अब अपने लोग y को उस तरफ भेजते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, जब y उस तरफ ऊपर गया, ध्यान से देखिए, y 10x sec square x plus y log 10x into 2 10x sec square x, करेक्ट है दोस्तों? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब y इस तरफ आएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। जी हाँ सर, बिल्कुल। बस दोस्तों ये अपने लोग का dy by dx आ गया। अब सर सवाल ये है, अब सर सवाल ये है कि what next? दोस्तों अगर आपको कोई बोला है कि dy by dx निकालो तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हो, और कभी कभी ना ये लोग क्या बोलते हैं, find dy by dx और फिर इस तरह का एक नोटेशन रह जाता है आपके साथ, क्या कि एट x इक्वल टू पाई बाई फोर, मतलब जब x पाई बाई फोर है तब क्या होगा ये बताएं आप। बोला ओके सर, आप लोग बोले ओके, तो सर सी नाउ ध्यान दीजिए आप लोग, क्या है 10x टू द पावर 10 स्क्वायर x है, करेक्ट? अभी ध्यान से सुने आप, इसमें अपने वैल्यू बैठा देंगे, 10x की वैल्यू 10 पाई बाय 4 कितना होता है सर, 1 होता है, तो यहां पे 1, ठीक है, पाई बाय 4 पे बैठाना है, तो यहां पर एट x इक्वल टू पाई बाय 4 लिख लीजिए, इसका मतलब एट x इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा sec पाई बाय 4 क्या होता है, sec पाई बाय 4 अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा तो cos पाई बाय 4 सोचिए, cos पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, राइट? तो sec पाई बाय 4 होगा रूट 2, अच्छा sec स्क्वायर है तो मतलब रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, प्लस y की जगह 10x टू द पावर 10 स्क्वायर x छोड़िए एक बार, राइट? सो दैट यू आर यू नो चिल्ड रिगार्डिंग दैट। अब log 10x है दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना, log 10x है, log 10x है मतलब log 10 पाई बाय 4 है, 10 पाई बाय 4 कितना होता है दोस्तों, 10 पाई बाय 4 होता है 1, यानी कि ये पूरा का 10x मतलब 10 पाई बाय 4 की जगह मैं log 1 लिख देता हूं into 2 10x sec स्क्वायर x। सर यहां क्यों नहीं वैल्यू डाले दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि log 1 0 होता है, क्या होता है log 1 0, तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है कि ये सारी चीजें 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, बिकॉज देखिए ना y into log 10x into 2 10x sec square x है, इसीलिए मैं किसी और का वैल्यू नहीं बैठा रहा, ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया, समझ रहे हो? जी हाँ बिल्कुल, और ये 2 हो गया। अच्छा सर यहां पर आप क्यों नहीं वैल्यू बैठा है? अब बैठा देते हैं ना, 10x पाई बाई 4 यानी कि 1 और 10 square x 1 square यानी कि 1 द पावर 1 square which is 1 only, so 1 into 2 equals to 2 is the answer। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बताता हूं, dy by dx निकाल लिए, y उस तरफ भेज दिया, करेक्ट? जी हाँ सर। अब at x equals to pi by 4 बोला हुआ है, x equals to pi by 4 बोला मतलब जहां जहां x है वहां वहां pi by 4 लगाना होगा, अब x है यहां पर तो कितना है pi by 4, 10 pi by 4 1, तो 1 स्क्वायर यहां पर भी हो गया, 1 टू द पावर 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 10x into sec square x, sec square x sec x होता है root 2, sec pi by 4 होता है root 2, तो sec square x root 2 का स्क्वायर यानी कि 2, 10x तो 1 होता ही है। अच्छा यहां पर दोस्तों हुआ ये करिश्मा कि 10x होता है 1,
लॉग वन ये वन हो गया तो लॉग वन जीरो होता है, तो अब जीरो इंटू पूरा का पूरा थिंग बिकम जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया हमारा, गॉट इट सर? तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट विच वी हैव सॉल्व एंड द आंसर इज टू। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से अपने लोग को ये क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, समझ आया? तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस सीरीज। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।